क्यों घबरा रहे हैं फिर? आप वोट कैसे मांगेंगे? नहीं, वोट तो करेगा। तो बात क्यों नहीं करेंगे आप? डरते हैं मीडिया से? बात हिंदी बात नहीं आता है। आप हिंदी में ही तो बोल रहे हैं कि नहीं आता है? थोड़े में ही बात कर लेते हैं। क्या सपोर्ट है आपका? कौन प्रत्याशी है? पूरा ये वार्ड में ना। आपका नाम क्या है सर? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं पे जी। तो पूरा ये वार्ड पूरा ये दिनेश गुंडूराव जीतने वाला है। इस बार कर्नाटक में कौन जीतेगा? कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस आएगा। कौन सीएम बनेगा? वो इसके ऊपर जीतने के बाद 223 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। हाँ। उसमें से कितनी सीट जीत सकती है कांग्रेस? 125 आएगा। 125 मतलब वो मेजोरिटी आ जाएगा। पिछली बार जैसा तो नहीं होगा कि नहीं होगा। यहाँ लड़ाई है डीके शिवकुमार सिद्धारमैया के बीच में। ऐसा नहीं है जो सीएम नहीं बना वो चादर खींच ले जाएगा। वो सब जीतने का बाद ही पता होता है जी। लीडिंग तो ही कांग्रेस से आएगा। दिनेश गुंडूराव यहाँ 5 बार जीत चुके हैं, आज तक बीजेपी का इस विधानसभा क्षेत्र में खाता नहीं खुला है, क्या कारण है? मोदी लहर यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची? ये एरिया में ये दूसरा आदमी आने के लिए दिनेश गुंडूराव सब नहीं छोड़ता है, अच्छा काम करके आ रहा है जी। ऐसा तो साल भर आप बताएं आपका क्या नाम है? सुरेश। बात करो सुरेश। आप क्यों घबरा रहे हैं? घबरा नहीं, ये सभी हमको ये नहीं बोलो जी। बताओ कौन जीतेगा इधर? दिनेश गुंडूराव। और कर्नाटक में कांग्रेस आएगा पक्का। पक्का आएगा। जेडीएस क्यों नहीं? वो आप रेगुलर 35 जी उठता ही आता हूँ जी जी। तो पिछली बार तो वो सीएम बन गए थे कुमार स्वामी, वो सभी से सरकार बनता सीएम बनता। इस बार 35 उनकी आई और वो बीजेपी की तरफ चला गया तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में? जी सर आप बताएं। सर बताएं क्या आपको क्या लगता है क्या माहौल है? दिनेश गुंडूराव अच्छा है हमारा ही रहेगा। और बीजेपी क्यों नहीं? आज तक आपने बीजेपी को जिताया नहीं तो कैसे पता चलेगा कि अच्छा नहीं है? हमको ये अच्छा आदमी अच्छा काम कर रहा है जी। बहुत सब लोग को हेल्पिंग नेचर अच्छा है जी जी जी। तो कांग्रेस ही आएगा हमारा स्टेट में। स्टेट में पिछली बार भी तो आपके कांग्रेस आया था लेकिन 15 आदमी दूसरा इसको भाग गए ना। तो इस बार नहीं भागेंगे? नहीं भागेंगे। क्या कारण है? गारंटी मतलब? लेकिन अभी अच्छा काम करता अभी कांग्रेस आए तो। सर आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? दीपक जी। दीपक जी कहाँ से हैं? हम यहाँ से हैं, लोकल है ऐसे राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? जालौर। जालौर में? वादनवाड़ी से। वादनवाड़ी से। तो आप बताएं कौन यहाँ पे लीड कर रहा है? आपका वोट यहाँ लगता है? हाँ यहाँ लगता है। इस विधानसभा क्षेत्र में कितने वोट होंगे मारवाड़ियों के? 50% है। तो सारे ही कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं या उसमें से? पहले 20-25% था, ये बार मेजोरिटी सारे मारवाड़ी वोट कांग्रेस को ही आएंगे। अच्छा। बीजेपी को नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा बोले तो यहाँ पे काम जो भी है यहाँ पे लोग इस नेता को बहुत ज्यादा चाहते हैं, हमारे दिनेश गुंडूराव जी को तो उनको ज्यादा चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे बाकी कोई पार्टी काम नहीं करती है। वही एक है जो बरोबर चाहे कुछ भी हो जाए रात को भी फोन करोगे तो वही काम करेंगे, वही खड़ेंगे यहाँ पे। हाँ किसी के चाहे कोई भी इंडिविजुअली जाओ वो काम करेंगे। थैंक यू।